कार एयर पंप, कार में हवा भरने के लिए एयर कंप्रेसर, कार में, बाइक में, फुटबॉल में, साइकिल में। उसके बाद ये आपकी निकला जी शेविंग किट निकला, ये प्रोफेशनल हेयर क्लिपर निकला है। हमने ये पार्सल खोला है कल, तो उसमें से ये निकला है, हमें गेमिंग कार्ड निकला है, इसमें प्रोसेसर भी निकलते हैं गेमिंग के। इसकी ऑनलाइन प्राइस कितनी है, रिटेल प्राइस? ऑनलाइन जिसकी रिटेल प्राइस है वो 1 लाख के राउंड बाउंड है। ठीक है, ये तो, केजी के हिसाब से कितने का पड़ गया अंदाजन? केजी के हिसाब से तो ये आपको कॉस्ट कर रहा होगा 800-900 रुपए का। ठीक है, इस तरह की चीज़ें निकल, इस तरह के एक आइटम निकला आपको पूरे पार्सल के पैसे पूरे हो जाते हैं। इसमें से कभी आईफोन निकला, मोबाइल निकली हो, मतलब कि एक्सपेंसिव कोई एक्सेसरी निकली हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आशिर, आप देख रहे हैं एमए व्लॉग। आज की वीडियो में हम आपको रिव्यू कराएंगे अमेजोन के और DHL के पार्सल। ठीक है, ब्लाइंड आते हैं उसके अंदर, इनको खुद नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, अभी आपको मैं वेट के हिसाब से पार्सल शो कराऊंगा, क्या उसके अंदर क्या क्या चीज़ निकलती है। अभी आपको डिटेल के साथ बताना है कि ये केजी के हिसाब से किस तरह पार्सल पैक होके आता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, अभी अली भाई इनके जो शॉप के अंदर है वो आपको बताते हैं इनके अंदर किस तरह चीज़ मिलती है। अगर किसी ने ऑनलाइन मंगवाना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको वो शो कराते हैं कि भैया आपका इस तरह केजी का पार्सल बना है, फिर वो शो कराते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक जी, अली भाई आपको बताता है कि इस पार्सल के अंदर क्या क्या चीज़ है? नहीं बॉस, इसमें एग्जैक्ट नहीं पता होता हमें क्या है इसमें, लेकिन मुख्तलिफ आइटम होती हैं, जैसे ये आपके सामने डिस्प्ले लगा हुआ है, ये हमने दो चार अंदाज़ा होता है कि ये हो सकती है, आइडिया होता है इसमें हमें। तो ये जो आपके सामने सारे पार्सल लगे हुए हैं, ये हमने तकरीबन 2-3 पार्सल खोल के लगाए हुए हैं। किचन प्रोडक्ट्स भी आती है इसके अंदर? हाँ, वो बहुत कम आइटम सारी, तो इसमें से ये चीज़ निकलती है। मीन इसमें गैजेट्स वगैरह ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इसमें है? ठीक है जी, ज़्यादा इसमें गैजेट्स ही निकलते हैं, हेडफोन वगैरह निकल आए, पॉड्स वगैरह निकल आए, बाकी जो मुख्तलिफ सामान इसमें से निकलता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएंगे कि इसमें कम क्वान्टिटी में लेना है, ये तो आपने बल्क में ठीक है बता दिया, तो वो क्या आपसे यही जो चीज़ें आपने जैसे दिखाई हैं ऑनलाइन भी आपसे मंगवा सकते हैं, कुछ तरह का सीन है कि आप बल्क में अकेला देंगे? नहीं नहीं, हम अगर सिंगल कोई चीज़ लेना चाहे जो हमारे डिस्प्ले में हम वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा डिस्प्ले वाली जो सी है डिटेल प्राइस में मिलेगी, अगर किसी ने बल्क में लेना है फिर वो पार्सल ही मिलेगा, वो पार्सल ही मिलना है उसको, आपको केजी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये जरा अगर दिखाएं जरा कैमरा मैन कुछ चीज़ें, तो ये जितनी चीज़ें लगी हुई ये आपने फर्ज के एक पार्सल ही खोला हुआ है ऐसे ही? एक 4 से 5 पार्सल खुले हुए। ठीक है, इसमें अगर आपको देख सके इसमें मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, लेडीज़ के रिलेटेड भी हैं, किचन गैजेट्स भी हैं, ठीक है, ड्रोन वगैरह भी हैं, हेडफोन्स हैं, तो इसमें भी कुछ सेल आउट भी होगी होंगी। ठीक है, काफी ज्यादा सेल आउट होंगी इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह के मतलब डिब्बे में से ही निकलें। अच्छा अली भाई, इसमें से कभी आईफोन निकला, मोबाइल निकली हो, मतलब कि एक्सपेंसिव कोई एक्सेसरी निकली हो, कैमरा क्या? हाँ जी, आईफोन नहीं निकला, मोबाइल तो अक्सर निकलते रहते हैं, लैपटॉप निकलते हैं, इसमें गेमिंग का सामान निकलता है जो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, उसमें पॉड्स वगैरह निकलते हैं एप्पल के, वो गेमिंग प्रोसेसर निकला है, अभी निकला पड़ा है, गेमिंग बोर्ड निकला पड़ा है, मैं आपके सामने वो पड़ा हुआ है उधर जी। बॉस ये देखना, इसमें हमने ये पार्सल खोला है कल, तो उसमें से ये निकला है, हमें गेमिंग कार्ड निकला है, इसमें प्रोसेसर भी निकलते हैं गेमिंग के। इसकी ऑनलाइन प्राइस कितनी है, रिटेल प्राइस? ऑनलाइन जिसकी रिटेल प्राइस है वो 1 लाख के राउंड बाउंड है। ठीक है, ये केजी के हिसाब से कितने का पड़ गया अंदाजन? केजी के हिसाब से तो ये आपको कॉस्ट कर रहा होगा 800-900 रुपए का। ठीक है, इस तरह की चीज़ें निकल, इस तरह के एक आइटम निकला है आपको पूरे पार्सल के पैसे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये तो अब आपने इन्फॉर्मेशन काफ़ी इसमें हमें गाइड कर दिया, बाकी जो है अभी एक पार्सल आप हमें चेक करवा सकेंगे जी, किस तरह से जो है इसमें क्या चीज़ें निकलती हैं, और जो लेने वाला है उसको ये पता होगा किस तरह से आप डील करते हैं। पार्सल आप ओपन करने लगे कस्टमर कैसे के जी कस्टमर के लिए ओपन करने लगे? अच्छा, पहले ये दिखाने जहाज भाई को दिखाएं जी, जरा आप ये देखें जहाज भाई जो कस्टमर को इन्होंने वीडियो कॉल पर लिया हुआ है, तो अच्छा इसका वेट हो गया है सबसे पहले, यही तरीका होगा इसका? हाँ जी, इसका सबसे पहले वेट होगा। ठीक है, हाफ पेमेंट एडवांस होगी, तो फिर आपको ये अच्छा कस्टमर की पेमेंट आ चुकी हुई है जो इसको आप? हाँ जी, हाफ पेमेंट आ चुकी है कस्टमर की। ठीक है, अच्छा जिसको मतलब फर्ज करिए ये अभी हुआ 56 केजी कैसे ही है जी? 56। अच्छा, तो अब किसी को ज्यादा या कम चाहिए तो फिर वेट के हिसाब से आप लोग उसी हिसाब से पार्सल देंगे? उसे जो पार्सल हमारे पास अवेल होगा उसे वेट में वो देंगे हम। ठीक है, वो फर्ज करिए अगर कहता है 50 के चाहिए तो 50 का ढूंढ वो राउंड बाउंड होगा उसके, 50 केजी हो जाए, 52 केजी हो जाए, उनको बता देना कि इसका ये वेट बना है, चेक करवा देना, चेक करवा देना वेट। चले स्टार्ट करें जी, फिर खोलते हैं, भाई को दिखाएंगे जरा, ये भी खोलने लगे हैं इसे, तो ये रैंडम अभी कोई पता नहीं इसके अंदर क्या चीज है, अभी हमारे सामने आपके सामने पहली बार खोलेगा, रस्सियां उससे अच्छी चीज बंदी हुई है। ठीक है, हमने तो चेक किया, खोले नहीं जरा। ये कस्टमर को अभी कॉल भी कर रहे हैं, वो देखें वीडियो कॉल के ऊपर भाई दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अभी इनके सामने ही ओपनिंग होगी, तो मतलब अगर किसी ने अली भाई मंगवाना हो तो यही तरीका का उसके साथ ये सेम तरीका कार होगा, 50% एडवांस आएगा, बाकी फिर बाद में जब हम खोल के चेक करवा देंगे तो तब वो बाकी सही है। चले ये खोलते हैं जी भाई, इधर तो चेक करते हैं क्या इसमें से निकलता है। खोले जी, सबसे पहले रस्सी खुली, बोरा खुला, अब बंदा जो है ये इसके टोटल पैक ये उधर से ऐसे ही आया हुआ है, कोई खुला नहीं, कुछ आया जैसे आया ही वैसे खोल रहे हैं। ठीक है, चले जी इसको अब ये ओपनिंग करते हैं जी, देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें निकलती है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेसिफिक भी होता है कैटेगरीज के, मतलब ये वाला माल आपने मंगवाया यही आएगा इसमें कि कुछ भी निकल सकता है? नहीं, इसमें गैजेट्स होते हैं ज़्यादा, गैजेट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक होगा जी, अच्छा जी पहली चीज़ें जी देखते हैं इसमें क्या क्या निकल रहा है। ठीक है, पहला जी क्या निकला जी, बैटरी केस निकला है, एक तो
ठीक है ठीक है देखिए अभी बाइक निकली है 2000 सीसी है ठीक है और दिखाएं क्या चीजें हैं इसमें ये आपका वायरलेस हेडसेट आ गया जी ठीक है। अच्छा अली भाई वो पहले बताते हैं कि इनके इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होगी या किचन प्रोडक्ट्स होगी नहीं नहीं वो गैस करवाते थोड़ा बहुत नहीं नहीं सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है गैजेट्स होते हैं सारे इसमें इजाज भी सही बता रहे हैं साथ में बताते रहेंगे क्या चीज है 78 और एसई के लिए आईफोन का जो पावर बैंक है बैटरी केस ठीक हो गया 3200 एमएएच है ये आप पकड़ते रहिए आपके सामने हर चीज निकलेगी जो भी इसमें ये आपका कार का एयर पंप आ गया जी एयर कंप्रेसर कार एयर पंप कार में हवा भरने के लिए एयर कंप्रेसर कार में बाइक में फुटबॉल में साइकिल में चलें और ये इसमें देखिए क्या चीज ये कैमरा सीसीटीवी ये फिटनेस ट्रैकर आ गई जी आपके हेल्थ वॉच आ गई है हेल्थ एंड फिटनेस स्मार्ट वॉच योर लाइफ अच्छा जी ये सी टाइप की है डोंगल आई हुई मल्टीमीडिया ये आपका गेमिंग माउस ये साथ आपका उसका गेमिंग है ये प्रोसेसर सिंकिंग ठीक होगा जी प्रोसेसर सिंकिंग गेमिंग का है ये आपका आईपी कैमरा आ गया जी ठीक हो गया नहीं नहीं ये आईपी कैमरा है रिबोट नहीं है आईपी कैमरा है ये बच्चों के रूम में लगता है एज अ सिक्योरिटी उनको देखने के लिए बच्चों का अपने मोबाइल पे बैठ के ये सी टाइप केबल है ठीक है जी ये मसाज गन आ गई है जी ये आप देखें ना अभी इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि पता चले क्या क्या चीज़ें ये मसाज गन पैक है ठीक है दिल भाई सफदर भाई मसाज गन है ये पैक है मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ इसको सीट पैक है मसाज गन थर्टी स्पीड ठीक है ये ठीक हो गया इलेक्ट्रिक सिगरेट आ गया ठीक हो गया नेक्स्ट इसमें देखें ये एक फैन है ठीक है ये भी वो मिनी फैन है मिनी फैन हैंड फैन समझ लें ये टेम्परेचर गन आ गई थर्मामीटर इंफ्रारेड उसके बाद ये आपकी निकला है जी शेविंग किट निकला है प्रोफेशनल हेयर क्लिपर निकला है ठीक है जी विद कंप्लीट एक्सेसरीज ले लें मोबाइल ये क्या मोबाइल पाउच होगा या मोबाइल केस होगा इसके अंदर जरा जी इसको मोबाइल केस मोबाइल केस है वाटरप्रूफ केस है मोबाइल का इसका पार्टा सही इसके बाद ये देखो ये क्या है इसका अडॉप्टर है ये डॉक्टर दो डॉक्टर ये पावर अडॉप्टर है ये ठीक है ये स्मार्ट एंट्री एयर वायरलेस ठीक है जी हाँ जी हाँ जी है अभी मैं वजन बता रहा हूँ अच्छा अली भाई ये टोटली सभी टोटल पार्सल चेक करवाते हैं नहीं नहीं सिर्फ हम थोड़ी सी आइटम चेक करवाएंगे सिर्फ 20% चेक करवा देंगे उसके बाद हम कॉटन बंद कर देंगे चलें जी हमारे लिए तो वो कह रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा दिखाने जो नए देखने वाले उनको बता दें क्या क्या चीजें निकल ऊपर चेक करवाते हैं हम ठीक है माल खोलते नहीं है बिल्कुल ठीक है जीपीएस ट्रैकर है ये जीपीएस ट्रैकर है जी इसके अंदर यूज भी है और अनटच ये रिटर्न होती है इसमें 90% आपको फ्रेश होता है ट्रैकर जीपीएस तो कार में यूज भी हो सकती है 10% यूज होती है इसमें ठीक हो गया ट्राइपॉड है ट्राइपॉड निकला जी और नेक्स्ट आ गया ये आ गया ये बोला कि आपकी ये एयरपॉड आ गया है T2 प्रो हाँ जी हाँ जी है इसमें जी एयरपॉड्स निकले हैं जी दो ठीक हो गया चले अच्छा ये क्या ये क्या उसके बाद टैबलेट है कि मल्टीफंक्शनल क्लीनिंग ईयर रिमूवर ब्लैक हेड रिमूवर ठीक है ये आ गया ये कीबोर्ड केस है इसका पूरा ब्लूटूथ कीबोर्ड है ना ये फिर इसका केस ये भी कन्वर्टर ये वही कन्वर्टर है उसका जो पहले दिखाया आपको डोंगल मल्टीमीडिया
इस तरह के गैजेट्स हैं टोटल नीचे तक जितने भी ना हो सकता है। इसके टैब लैपटॉप वगैरह भी निकल आती है इसमें से, मोबाइल निकल आते हैं। अभी तक अच्छी चीजें निकली हैं, फ्रेश भी यूजेबल चीजें जो सारी आसानी से सेल आउट हो सकती हैं। रेडिएटर डिटेक्टर है जी, सही है। गैमा एक्सरे रेज वगैरह, हाँ जी। अच्छा। ये लेबोरेटरी में यूज होता है। वाईफाई रिपीटर, रेंज एक्सटेंडर, हेडफोन है जी, जबरदस्त हेडफोन भी निकला है। ब्लूटूथ हेडफोन है जी, जी ब्लूटूथ। ये एक बच्चों की स्मार्ट वॉच है, वॉच हो गई अंदर। ये क्या चीज है? ये लेडीज मेडिकल, ठीक है। मेडिकल की किट हो गई। अच्छा जी, ये क्या है? ये फाउंटेन है जी, सोलर फाउंटेन। वेबकैम, छोटा वेबकैम है ये, दिखा दे रहा है वेबकैम। ये एचडी वेबकैम है जी, एचडी रिजल्ट के साथ W6 का। लाइटिंग प्रोजेक्टर है, लकी स्टोन प्रोजेक्टर है जी, लैंप प्रोजेक्टर लाइट। ये जी वायरलेस कीबोर्ड है, पूरा पैक है जी, वायरलेस कीबोर्ड टैबलेट का। ये अच्छी आइटम है। ये वो टेम्परेचर चेक करने के लिए, टेम्परेचर गन है ये। हाँ हाँ जी, ये टेम्परेचर, ये सिलिकॉन गन है, टेम्परेचर सिलिकॉन गन। ये बीटर दिखाएं, इसके साथ शेप सेंसर, बीटर ये पड़ा हुआ है, ये दिखाएं। माउस है, 2.4G वायरलेस माउस। ये दिखाएं जरा जी, मेन चीज दिखाई इसमें, ये दिखाइए बीटर। अंडर बेड लाइट बीटर जो है, ये भी इसी के अंदर ही है। हैंड बीटर है पूरा। अरे भाई, वेट में कितना तकरीबन होगा? ये तकरीबन 1 kg के राउंड माउंट वेट होगा इसका, 1 kg के राउंड माउंट। सही है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये वायरलेस चार्जर है, साथ में क्लॉक है इसके, और टाइमर है इसमें साथ ना, क्लॉक टाइम है इसमें, अलार्म क्लॉक, वायरलेस चार्जर क्लॉक। ये किस तरह मिलता है पर केजी? वो भी पूछते हैं डिटेल से, पहले चीज़ें देख लेंगे तसल्ली से, आराम से क्या क्या निकल रहा है इसमें, ठीक है। और इसमें नीचे दो में कीबोर्ड पड़े हुए हैं, एक उधर है। ये ऐसी मिक्स आइटम एंड तक होगी, इसमें गैजेट्स होंगे, कुछ छोटी आइटम होते हैं, कुछ बड़ी आइटम होती है। ये वायर निकालें, वायर क्या है इसमें? ये वायर, ये है इंटरनेट केबल है, Cat6 होगी ये, ठीक है। इंटरनेट केबल है ये वाली जो भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है दिल भाई। LED मिरर क्लॉक काफी अच्छा। ये क्या सारा कुछ बड़ी चीज तो नहीं निकली? सही है। अब ये एंटीना होता है, ये अच्छा सारा सामान का भाई पे आ जाएगा, सिग्नल के लिए ना एंटीना होता है, ठीक है। हां ये भी बेसिक ही है बेचारे, बाकी भी छोटी छोटी चीजें इस तरह की सारी। नीचे में एक विंग मशीन है, नीचे जो पड़ी है वेट मशीन है, क्लॉक है, कीबोर्ड, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड। एक ये दिखाइए, क्लॉक, वॉल क्लॉक, हां क्लॉक, और कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड है, लेकिन मैकेनिकल कीबोर्ड है, ठीक है। लेकिन इसकी कीये मिस है, वो कीये मिल जाती है इसकी एक्स्ट्रा ना सर, मैकेनिकल है। अच्छा, ये कीज इसकी मिल जाएंगी, ये हैंडी है, मे बी इसके अंदर ही गिरी होंगी, ये मैकेनिक मे बी इसके अंदर ही हो, ठीक है। तो तो ये भी एंड तक जो है पार्सल पैक करवा के जा सकते हैं, अभी तक वीडियो कॉल पे ही उनसे, तो ये भी टोटली पैक करके इसको वैसे ऊपर से बंद करेंगे, फिर जो है ना इनकी जान छूटनी है, और कस्टमर को भी पता होगा क्या चीज हमें डिलीवर की जाएगी। ये बल्क वालों के लिए है, जो बल्क में लेना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है जी, आप लोग इससे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट का थोड़ा सा शेड्यूल बता दें, इस पर बल्क में लेना है 50 kg, फर्ज करिए एक बंदे ने लेना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? बॉस उसका ये प्रोसीजर होता है कि आप 50% पेमेंट हमें पहले करते हैं, हम फिर आपको पार्सल ऑनलाइन आपकी वीडियो कॉल पर, अगर आप नहीं आ सकते हमारे पास तो हम आपको वीडियो कॉल पर आपको आपका कार्टन जो है ना, तो 20 से 25% आपको चेक करवा दें।
देंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। गुड हो गया, अगर मैंने लेना है मैंने आपको पेमेंट करवा दी है, इसमें से कुछ ब्लाइंड चीज़ आपने कहा कि ब्लाइंड पार्सल है, कोई टूटी चीज़ निकल दी उसका कोई क्लेम वगैरह कुछ है? वो इसमें क्लेम नहीं होता, ये लॉट आइटम में क्लेम नहीं होता, जो चीज़ निकलती है वो आपकी जो परचेजर होता है उसकी ही होती है। वो जैसे हमें इसमें आइडिया नहीं है, जो हम ले आए हैं वो हमें भी आइडिया नहीं इसमें क्या है, तो लेकिन इसमें इतनी क्वांटिटी नहीं होती, कोई 1-2% 3% होता है जो माल जो यूज़लेस होता है, बाकी ऑलमोस्ट सारा आपका ज़्यादा फ्रेश ही होता है, मतलब ऑलमोस्ट, हाँ जी ऑलमोस्ट फ्रेश ही होता है इसमें। अच्छा अली भाई, अगर इस बिज़नेस की बात करें, एक बंदे ने नया स्टार्ट करना है, तो इसमें आपके ख्याल में फ़र्ज़ करें अगर 1 लाख एक पार्सल 50 kg का बन रहा हो सपोज़ कर लें, तो इसमें मार्जिन रेशो ओके हो जाती है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा गाइड कर दें जी भाई जान। ये तो आपके काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। अगर तो आप इसको प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, आप इसमें अच्छे प्रॉफिट से काम कर सकते हैं। तो बाकी डिपेंड करता है आप काम कैसे कर रहे हैं, आप चीज़ों को कैसे सेल आउट कर रहे हैं। सही हो गया, जिस तरह आपने अभी वो दिखाया ना प्रोसेसर, अगर इस तरह की एक चीज़ निकल आई वो मतलब के पैसे पूरे रहते हैं। अगर आपको चीज़ के बारे में पता है, नॉलेज पूरा है, तो आप उसको पूरे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है तो आप उस पर पैसे पूरे कमा नहीं सकते, इसलिए आपको वो चीज़ के बारे में पूरा इल्म होना चाहिए। कारोबार करने से पहले थोड़ा बहुत इसका होना हो या नॉलेज होना ज़रूरी है। आप बस ये देखें ना, ये चीज़ सारी ऑनलाइन की आइटम है सारी, तो ऑनलाइन आप इस आपके आप गूगल पे सर्च करें जो भी चीज़ आपके पास है। हम भी ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ निकलती है उसको हम गूगल सर्च करते हैं, उसका रेट चेक करते हैं, फिर उसको 20-25% हम ऑफ करके हम चीज़ सेल कर देते हैं उसको। अच्छा अली भाई, अभी आपने पार्सल चेक करवा दिया, बेहतरीन चीज़ें इस पार्सल में तो आपके सामने अच्छी निकला, हमने जैसे देखी भी है, तो आप ज़रा रेट की बात करें, रेट बताएं इसका रेट क्या होलसेल का? ठीक है, बॉस इसका रेट होलसेल का जो है ना वो तकरीबन हम दे रहे हैं 1850 के राउंड अबाउट, वो जो क्वांटिटी का रेट होता है, क्वांटिटी बढ़ाएंगे इसकी तो रेट कम हो जाएगा। 1850 राउंड अबाउट 50 kg का, 50 kg का। अगर कोई 500 kg 400 kg 300 kg लेता है तो रेट उसी हिसाब से कम होता है, उस हिसाब से कम होगा, और डील के हिसाब से रेट का हमारा फर्क होता है, बाकी फर्क होता है सामान का। हमारा जो सामान होता है इसकी गारंटी होती है कि ओरिजिनल पार्सल होता है हमारा, ठीक है, इसलिए खुला हुआ नहीं होगा जी, ये हमारी गारंटी होती है, तो हमारा पार्सल खुला नहीं होता, जैसे आता है वही से एज इट इज आपको वो वही चीज़ पहुंचेगी। ठीक है, 1850 rupees पर केजी के हिसाब से मिलेगा अगर आप 50 kg तक लेते हैं, बाकी मजीद इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे बार्गेनिंग में कुछ रेट कम बेशी हो जाएगा। हाँ, जब आप बात करेंगे कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं उनसे। ठीक हो गया, तो बहुत शुक्रिया अली भाई, रिव्यू करवाने के लिए अपनी शॉप का एड्रेस दे देने और कार्ड दे दें हमें, अगर किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। अच्छा जी, तो ये इनकी शॉप का कार्ड है, अली अकबर आरके ट्रेडर्स, ठीक है, एड्रेस इनका नोट कर लें, शॉप नंबर 2 नियर स्पीड स्टार बिलालगंज मार्केट सरगोदा रोड फैसलाबाद, ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो